अगर आपको आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में आपको YouTube का बराबर काम रहता है या YouTube पे कोई वीडियो सर्च करने के लिए आपको ब्राउज़र ओपन करना पड़ता है, फिर उस YouTube के पेज को खोलना पड़ता है, उसके बाद कोई वीडियो जो भी आप सर्च करना चाहें उसको सर्च करते हैं, तो इतना लंबा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से यूट्यूब का ऐप जो है आप अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में इंस्टॉल कर पाएँ, जिससे वो यूट्यूब का आइकन आपके डेस्कटॉप पर आ जाए और जैसे उस आइकन पर आप क्लिक करेंगे सीधे आपका यूट्यूब का पेज ओपन हो जाए, तो आप अपने उस कंप्यूटर लैपटॉप पे आ जाएगी जिस पे आपको यूट्यूब का ऐप इंस्टॉल करना है। उसके लिए अपना गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, और अगर आपके कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर नहीं इंस्टॉल है और आपको जानना है किस तरीके से गूगल क्रोम ब्राउजर को हमें इंस्टॉल करना है, तो उसकी वीडियो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। और अगर क्रोम ब्राउजर आप में पड़ा हुआ है तो आप ये स्टेप फॉलो करिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप यूट्यूब ओपन करने के लिए अपना ब्राउजर ओपन करते होंगे। ब्राउजर ओपन होने के बाद आप यूट्यूब के पेज पे जाते होंगे। जैसे मैं अभी यूट्यूब के पेज पे चला गया हूँ, यहाँ पे आपको ये सारी चीजें गूगल क्रोम ब्राउजर से करनी है जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद YouTube का पेज जैसे ओपन होगा, उसके बाद यहाँ पे ऊपर राइट हैंड कॉर्नर पे आपको बुकमार्क बटन के बगल में एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा इंस्टॉल YouTube का, कुछ इस तरीके से। और अगर आपके कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल है लेकिन ये ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपके कंप्यूटर का क्रोम ब्राउजर अपडेटेड नहीं है। उसको अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 डॉट बटन पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे आपको हेल्प पे क्लिक करना है, उसके बाद अबाउट गूगल क्रोम पे चले जाना है और यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है। यहाँ पे राइट बटन क्लिक करके रीलोड पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका रिफ्रेश हो जाएगा, और आपका ब्राउजर अगर अपडेट नहीं होगा तो अपडेट होना चालू हो जाएगा। और ब्राउजर अपडेट होने के बाद भी यहाँ यूट्यूब के पेज पे आपका इंस्टॉल यूट्यूब ऐप का ऑप्शन नहीं आ रहा, कुछ इस तरीके से। तो आप ऊपर आई बटन पर जो मैंने वीडियो बनाई है गूगल क्रोम को कैसे इंस्टॉल करना है, तो वो स्टेप फॉलो करने के बाद गूगल क्रोम ब्राउजर लेटेस्ट वर्जन का आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद ये ऑप्शन आपका आने लगेगा, फिर यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे आपको क्लिक करना है इस यूट्यूब आइकन को अपने डेस्कटॉप पे क्रिएट करने के लिए। इंस्टॉल पे जैसे क्लिक करेंगे आपका यूट्यूब का ऐप जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब ब्राउजर को हम मिनिमाइज़ कर देते हैं, उसके बाद डेस्कटॉप पे हम देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब का ऐप जैसे इंस्टॉल होता है कोई हम एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, सेम उसी तरीके से ये ऐप की तरीके हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया है। अब इसको जब भी आपको ओपन करना होगा यूट्यूब, तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी ब्राउजर पर, डायरेक्टली आपको इस यूट्यूब आइकन पर डबल क्लिक करना है, आपका यूट्यूब का पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कोई और चीज़ें नहीं आ रही, यहाँ पे सिर्फ आपका YouTube का पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पे जैसे आप YouTube पे कोई वीडियो वॉच करते हैं सेम उसी तरीके से वॉच यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ऐप पे मैंने जो वीडियो प्ले की, यहाँ पे जो है ऊपर लिंक बार नहीं आ रहा, जिससे हमारा YouTube का ऐप जब भी हम कोई वीडियो प्ले करते हैं तो यहाँ पे दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे काम की चीज़ें ही आपको दिखाती, फर्जी की चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं शो करती। जैसे वहाँ पे क्या होता है, ब्राउजर में आप कोई वीडियो ओपन करते हैं तो ऊपर यहाँ पे आपका लिंक एड्रेस आता है, यहाँ पे वो लिंक एड्रेस नहीं आ रहा। और अगर इसके साथ कोई वीडियो जो आप इस यूट्यूब ऐप पे प्ले कर रहे हैं उसको जो है आपको ब्राउजर पे ओपन करना है, तो आप कैसे कर पाएं, जैसे कि ये वीडियो हमें अपने ब्राउजर पे देखनी है तो आपको ऊपर यहाँ पे 3 डॉट मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ओपन इन क्रोम का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये वीडियो आपके क्रोम ब्राउजर पे ओपन हो जाएगी और यहाँ पे प्ले होने लगेगी ये वीडियो। और मान लीजिए अगर ये वीडियो आप ब्राउजर पे अपने देख रहे हैं और ये वीडियो आपको अपने उस ऐप पर देखनी है जो आपने अभी अपने कंप्यूटर पे यूट्यूब का ऐप इंस्टॉल किया है, तो कैसे आप देखें, तो यहाँ पे ये वीडियो प्ले है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर इस बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर यूट्यूब ऐप पर ओपन करने के लिए आपसे पूछा, यहाँ पे ओपन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे ये वीडियो जो आप ब्राउजर पे वॉच कर रहे हैं तो वो आपके ऐप पर भी आ जाएगी वही वीडियो, तो उस वीडियो को ओपन ऐप करने के बाद आप अपने जो है यूट्यूब के ऐप पर वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें अपने जो है कंप्यूटर या लैपटॉप में जो है यूट्यूब का ऐप इंस्टॉल करना है बहुत ही आसानी के साथ। और अगर इसके साथ आपका क्रोम ब्राउजर नहीं इंस्टॉल है, आपका यूट्यूब का आइकन नहीं शो कर रहा, तो मैंने आपको ऊपर आई बटन पर एक लिंक दे दिया है, तो वहाँ से वो जो है वीडियो वॉच करने के बाद अपना क्रोम ब्राउजर जो है अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद आपका YouTube का आइकन शो करने लगेगा। और इसके साथ मैंने आपको इस वीडियो में बता भी दिया है कि किस तरीके से अगर आप YouTube के ऐप पर कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसको आप ब्राउजर पे देखना चाहें तो वो भी कैसे बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हैं, और अगर आप कोई ब्राउजर पे जो है कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसको आप अपने ऐप पर देखना चाहें यूट्यूब के, तो वो भी बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी, और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर इसके साथ इस यूट्यूब के ऐप में कोई आपको एक्स्ट्रा फीचर्स नज़र आता है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे और भी हमारे जितने व्यूवर हैं उनको ये सारी जानकारी मिल पाए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।